हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। समय के साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूट भी जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे 1978 के बाद से आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे भारी आदमी होने का, और जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं उनका नाम है जॉन ब्रावर मिनोच, जिनका वेट 1400 पाउंड था, यानी 635 केजी, और जिसके लिए इनको वर्ल्ड हेवीएस्ट पर्सन का अवार्ड दिया गया था। इनका जन्म वाशिंगटन के बैन ब्रिज आइलैंड में हुआ था। ये बचपन से ही ओबीस थे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ओबीस का मतलब क्या होता है। तो ओबीस का मतलब जानने के लिए आपको पहले बीएमआई के बारे में जानना होगा। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, और इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपने हाइट के बारे में जान लेना है। अगर आप अपने हाइट को फीट और इंचेस में जानते हैं तो आपको इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपका हाइट 5.10 फीट है, तो मीटर में ये 1.8 होगा। अब दूसरा स्टेप है अपने वेट को नाप लीजिए। मान लीजिए कि आपका वेट 75 केजी है, तो अब आपको अपने वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, जो होता है 23.15, और ये है आपका बीएमआई। अब बीएमआई के बेसिस पे एक चार्ट बनाया गया है, जिसके हिसाब से अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडर वेट है। अगर 18.5 और 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवर वेट है, और 30 से ज्यादा है तो आप ओबीस के कैटेगरी में आ जाते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो अगर आप ओबीस के कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा हेल्थ इशू बन सकता है। अब फिलहाल आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जॉन ब्रावर मिनोच बचपन से ही ओबीस थे। जब ये 12 साल के थे तब इनका वेट 294 पाउंड्स था, यानी 133 केजी, और 25 साल की उम्र तक इनका वेट बढ़कर 700 पाउंड हो गया, यानी 317 केजी, और देखते देखते कुछ सालों में इनका वेट 975 पाउंड हो गया, लगभग 442 केजी के आसपास। और अब इनको अपने वेट के कारण हार्ट फेलियर और एडेमा जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का एहसास होने लगा, और 1978 में हार्ट फेलियर के कारण इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जो एक आसान काम नहीं था। लगभग 12 फायरमैन और एक मॉडिफाइड स्ट्रेचर के मदद से इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और इसी साल इन्होंने शादी भी की थी। इनके वाइफ का नाम जिनेट था, और बाद में ये दो बच्चों के फादर भी बने। हॉस्पिटल में डॉक्टरों से पता चला कि इनका वेट 1400 पाउंड्स हो चुका है, यानी 635 केजी। डॉक्टरों ने इनके बढ़ते हुए वेट को देखते हुए तुरंत इन्हें डाइट पे रख दिया, और उन्हें लिमिटेड खाना खाने को कहा गया, लगभग 1200 कैलोरीज दिन भर में। और लगभग एक साल के भीतर ही इनका वेट 1400 से घटकर 476 पाउंड हो गया, लगभग 924 पाउंड, यानी 419 केजी का वेट लॉस, जो भी एक रिकॉर्ड बन गया सबसे ज्यादा वेट लॉस करने का। लेकिन 4 सालों के बाद उनका वेट फिर बढ़कर 798 पाउंड हो गया, और 42 साल की उम्र में एडेमा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1400 पाउंड का उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।